साथियों, वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर ए ट्रस्टेड रिलायबल पार्टनर। भारत में पोटेंशियल है, स्ट्रेंथ है, एबिलिटी है। आज पूरे विश्व में भारत के प्रति जो ट्रस्ट डेवलप हुआ है, उसका आप सभी को, भारत की इंडस्ट्री को पूरा फायदा उठाना चाहिए। ये आप सभी की जिम्मेदारी है, सीआईआई जैसे संगठनों की जिम्मेदारी है कि मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया के साथ ट्रस्ट, क्वालिटी, कॉम्पिटिटिवनेस तीनों जुड़ा हो। आप दो कदम आगे बढ़ाएंगे, सरकार चार कदम आगे बढ़कर आपका साथ देगी। प्रधानमंत्री के तौर पर मैं आपको भरोसा दे रहा हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। भारतीय उद्योग जगत के लिए ये राइज टू द ओकेजन की तरह है। ट्रस्ट मी, गेटिंग ग्रोथ बैक इतना मुश्किल भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि अब आपके पास, इंडियन इंडस्ट्रीज के पास एक क्लियर पाथ है, आत्मनिर्भर भारत का रास्ता, सेल्फ रिलायंट इंडिया का पाथ। आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि हम और ज्यादा स्ट्रांग होकर दुनिया को एम्ब्रेस करेंगे। आत्मनिर्भर भारत वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ पूरी तरह इंटीग्रेटेड भी होगा और सपोर्टिव भी। लेकिन ध्यान रखिएगा, आत्मनिर्भर का मतलब ये भी नहीं है कि हम स्ट्रैटेजिक क्षेत्रों में किसी पर निर्भर रहें। हम उस स्थिति में नहीं रहना चाहते। इट इज अबाउट क्रिएटिंग स्ट्रांग एंटरप्राइज इन इंडिया, एंटरप्राइजेस दैट कैन बिकेम ग्लोबल फोर्सेस। इट इज अबाउट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। इट इज अबाउट एम्पावरिंग अवर पीपल टू कम आउट एंड क्रिएट सॉल्यूशंस दैट कैन डिफाइन द फ्यूचर ऑफ अवर कंट्री। हमें एक ऐसी रोबस्ट लोकल सप्लाई चेन के निर्माण में इन्वेस्ट करना है जो ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी को स्ट्रेंथन करे। इसी अभियान में सीआईआई जैसी दिग्गज संस्था को मुझे लगता है आपको भी पोस्ट कोरोना नई भूमिका में आगे आना होगा। अब आपको चैंपियंस ऑफ इंडिजिनस इंस्पिरेशंस बनकर आगे आना है। आपको डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की रिकवरी को फैसिलिटेट करना है, नेक्स्ट लेवल ग्रोथ को आसिस्ट करना है, सपोर्ट करना है। आपको इंडस्ट्री को, अपने मार्केट को ग्लोबली एक्सपांड करने में मदद करना है। साथियों, अब जरूरत है कि देश में ऐसे प्रोडक्ट्स बने जो मेड इन इंडिया हो, मेड फॉर द वर्ल्ड हो। कैसे हम देश का आयात कम से कम करें, इसे लेकर क्या नए लक्ष्य तय किए जाएं, उस पर सोचने की जरूरत है। हमें तमाम सेक्टर्स में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपने टारगेट तय करने ही होंगे। यही संदेश मैं आज इंडस्ट्री को देना चाहता हूं और देश यही अपेक्षा भी आपसे रखता है।